अरे बोला हालेलुया, हालेलुया। लेकिन कई लोगों को चीड़ हो रही थी कि प्रॉफेट जी ने एक्टरों को बुलाया, वेदी से बोल रहा हूं, लेकिन बहुत बड़ा अपराध कर रहे हैं आप मेरे खिलाफ बोलकर। ये मेरे ऊपर कॉलिंग है, परमेश्वर की कॉलिंग है ये मेरे ऊपर, कि मेरे स्वभाव से, मेरी बातों से लोग खींचे चले आते हैं यीशु मसीह के नाम में। ये कॉलिंग है मेरे ऊपर, गिफ्ट है परमेश्वर का। कितने लोग जानते हैं भारती के बारे में? सुनो, भारती के बारे में कितने लोगों ने उसके खिलाफ बोला। तो प्रभु यीशु मसीह क्या सिखाता है कि आप शत्रुओं को माफ कर दो। और ये फेसबुक पे लगे हुए पास्टरों को ही पकड़ के रखा हुआ है। बेटे पलटा लेने का दिन आएगा। और मुझे कह रहा है किराए के लोग, किराए के लोग नहीं, मुझे इन स्वर्ग दूत भी बुलाने आते हैं यीशु मसीह के नाम में। समझ गया, मेरे को ज्यादा टीचिंग सिखाने की जरूरत नहीं है, मुझे पवित्र आत्मा ने बहुत कुछ सिखाया हुआ है। और 2024 में मैं भी परमेश्वर का दास नहीं जो तुझे ना सिखाया परमेश्वर ने। आमीन। यहीं से बोल रहा हूं, याद रखना इस बात को, मेरी ओर से जंग ये लड़की नहीं लड़ेगी, ये लड़का नहीं लड़ेगा, मैं किसी के खिलाफ नहीं बोलता, मेरी ओर से मेरा परमेश्वर जंग लड़ेगा। आमीन। कितने लोगों की आत्मिकता भंग हुई क्रिसमस के दिन, क्या आपको ऐसा लगा? वो एक फिल्म एक्टर है, एक व्यभिचारिणी औरत, सुनना, एक व्यभिचारिणी औरत यीशु मसीह के पास आई और उसके चेले पता क्या कह रहे थे, यार ये कैसा संत है, ये व्यभिचारिणी फिल्म एक्टरों से, मैं तो एक्टर ही कहूंगा उसको भी, व्यभिचारिणी एक्टिंग नहीं करती थी, एक्टर थी वो भी। लेकिन उसको क्या कहे, उसके साथ चलने वाले चेले भी कह रहे थे, कह रहे कि यार इसको यीशु मसीह को शर्म नहीं आती, कैसी गंदी औरत से बात कर रहा है। आज लोग राखी सावंत को गंदा बोलते हैं, लेकिन मेरे प्रेम ने उसको बदल दिया यीशु मसीह के नाम में। मेरे यीशु मसीह का प्रेम जब आपको बदल सकता है तो सबको बदल सकता है। और मैंने ये नहीं कहा महिमा चौधरी का दीवाना, दिमाग खराब है तुम्हारा, लेकिन ये भी तो बताया ना कि मैं पाप की जिंदगी छोड़ चुका हूं। यस, हालेलुया, हालेलुया। और डायलॉग मुझे शौक नहीं है, मैं किसी के डायलॉग सुनता या देखता नहीं हूं। एक छोटा सा, मेरे घर में एक नौकर एक मजाक का वीडियो राजपाल यादव का दिखा रहा था, तो उसमें वो हंस रहा था, वो हंसा रहा था लोगों को, मैं कोई लड़की की वीडियो नहीं देख रहा था। इतना मुझे टीचिंग देने की जरूरत नहीं है, अपने आप को टीचिंग दे, इसका मतलब तेरे अंदर शांति तेरी भंग कर दी है शैतान ने, तेरी शांति भंग हो गई है। हालेलुया। तेरा आनंद गायब हो गया है। पुलपिट से बोल रहा हूं परमेश्वर गवाह है, पुलपिट से बोल रहा हूं परमेश्वर गवाह है। तुम पुलपिट पुलपिट बहुत करते हो, पुलपिट 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 यहां नहीं था, उसमें बताया मैंने पवित्र आत्मा आपसे प्यार करता है। भारती का सब लोगों ने मजाक उड़ाया, और वो ही भारती है जो प्रभु के खिलाफ थी, वो मेरे प्रेम के कारण, वो मेरी प्रार्थना के कारण कह रही कि वो क्या मैसेज दे रही है पूरी दुनिया को। आपने देखा फेसबुक? यस यस। तो इसका मतलब शांति आपकी भंग हुई है, मेरी भंग नहीं हुई है। हालेलुया। और मेरी शांति भंग करने की जरूरत नहीं है, मुझे उकसाओ नहीं, मैं जिंदगी के सताया हुआ आदमी हूं। अगर मैं अपने पे आ गया तो मुश्किल हो जाएगी तुम्हें। परमेश्वर के महान दास प्रॉफेट बजिंदर सिंह जी को पवित्र आत्मा ने 2018 में ही बता दिया था कि आपके चर्च में बहुत सारे फिल्म स्टार आएंगे, और प्रॉफेट जी की गई भविष्यवाणी हुई पूरी। मैं कह रहा हूँ तीन एक्टर, कोई प्रोड्यूसर, कोई डायरेक्टर सुन रहे हैं तो वो सुनने में, कह रहा हूँ तीन फिल्म स्टार में बार बार बोल रहा हूँ, परमेश्वर उनको कराने वाला यीशु मसीह के नाम में। आप सुना, बस बस देखो, मैंने सिर्फ इतना ही दिखाया, बाकी आप YouTube पर देख रहे हैं। क्या दिखाया? कि मैंने अपनी मर्जी से नहीं बुलाए। भाई साहब प्रॉफिट बजिंदर पैसे लेता है, देता नहीं है। अभी सुनो, अभी मैं आपको बताता हूँ, राजपाल यादव जी अभी 10 मिनट में हमारे बीच में आने वाले हैं दोबारा। उनका दिमाग खराब नहीं है। ये क्या हो गया यीशु?
उसका दिमाग खराब नहीं है, उसको तो यीशु मसीह ने हिला रखा, सोने नहीं दिया रात को। Glory to Jesus! अगर मैं उसकी थोड़ी सी तारीफ कर दिया कि यार मुझे तेरा डायलॉग अच्छा लगता है, तो मैंने क्या पाप कर दिया? डायलॉग कोई पाप वाला नहीं होता, डायलॉग कोई अच्छे भी होते हैं। डायलॉग तो तुम भी मारते हो जो शांति भंग करते हो दूसरों की। हालेलुया। तो आपको चिंता नहीं करना, मैं कह रहा हूँ प्रार्थना करो। और कहाँ बजिंदर बजिंदर बोल रहा है तू फेसबुक पर, बजिंदर बजिंदर तमीज से बात कर, नहीं तो परमेश्वर तुझे तमीज सिखाएगा थोड़े दिन के अंदर। Yes, amen. हाँ, लड़ने का मूड हो तो फोन पे बात कर लेना, शायद तू लड़ने की तैयारी कर रहा है। मेरे से नहीं, शैतान से लड़ जो तेरी शांति भंग कर रहा है। Hallelujah. क्योंकि मैंने तुझे बताया मैं जवाब नहीं देता, मेरा परमेश्वर जवाब देता है। Yes, amen. ये गवाही है, ये गवाही है, सुन रहे हो, ये गवाही है। अगर कोई व्यक्ति इसके अंदर, चाहे वो पास्टर हो, चाहे वो विश्वासी हो, चाहे साधारण व्यक्ति हो, क्या करेंगे आप? ज्यादा मेरे खिलाफ गंदा बोल लेंगे, आप मेरी तरह आप बहुत गिर जाएंगे, मतलब आप गिर जाएंगे, मतलब कि बहुत गिराने की कोशिश करेंगे, कुछ भी कर सकते हैं, पैसे देकर खरीद सकते हो किसी को, धमकी दिलवा सकते हो, मुझे मरवा सकते हो, मुझे बोलते हो सुनो सुनो मैं इसको सुना रहा हूं, लेकिन याद रखना वो ऊपर वाला ऊपर से देख रहा है, ऊपर से। Yes, amen. मेरे बारे में बोलने की जरूरत नहीं है, पहले इसको नोट कर। 2018 में पवित्र आत्मा ने बोला और वो पूरा किया, मैं भविष्यता हूं जिसका तू जिसके पास टीचिंग लेता है, वो कौन है मुझे नहीं पता, लेकिन मैं मेरे लोग जिस पर टीचिंग लेते हैं वो अपने पास्टर का आदर करना जानते हैं। Yes, amen. और मैंने अपने लोगों को भी सिखाया हर एक पास्टर का आदर करना। अगर आपने नहीं